देखिए जैसा है हम लोगों ने टाइटल में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कोई भी अगर स्टेट है स्टेट इन देंस कोई भी नेशन है कोई भी देश है तो ऑन देर एटीट्यूड टुवर्ड्स रिलीजन उसका एटीट्यूड किसी धर्म के प्रति या धर्म के प्रति किसी भी राज्य का नजरिया क्या है उस हिसाब से हम उस राष्ट्र को कैटेगराइज करते हैं तो कह सकते हैं कि अगर किसी भी राष्ट्र का अगर कोई भी स्टेट एज ए रिलीजन एडॉप्ट करती है कोई राष्ट्र जो है न्यूट्रल रहती है कोई राष्ट्र जो है एंटी रिलीजन रहती है तो ऑन ऑफ देयर एटीट्यूड बी हियर कैटेगराइज थ्री डिफरेंट स्टेट्स। कहने का मतलब है कि कोई भी राष्ट्र चाहे भारत हो पाकिस्तान हो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो तो जितने पूरे के पूरे विश्व में डिफरेंट डिफरेंट डिफरें जो नेशंस हैं जो राष्ट्र हैं उनके अपने है, अपने एटीट्यूड होते हैं अपने अपने नज़रिया होता है धर्म को देखने का कोई स्टेट जैसे आप फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ तीन स्टेट देखते हैं तो पहला जो एथेस्टिक स्टेट एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि जो एथेस्टिक नेचर होते हैं वो नास्तिक होते हैं एक प्रकार का वो कोई धर्म वगैरह में विश्वास नहीं करते कोई रिलीजन की फ़िलोसफी में एक मतलब कि कोई धर्म भी होता है कोई भगवान भी होता है इन सब चीज़ों में वो बिलीव ही नहीं करते वो तो सीधे नकार देते कि नहीं भाई कोई धर्म नहीं होता मतलब हटाओ ये सब सब फालतू है बकवास है ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं ये सब एक प्रकार का मिथ है तो जो एथेस्टिक स्टेट होते हैं ना वो जो है एंटी रिलीजन होते हैं और कंडेम्स ऑल रिलीजन और जितने भी धर्म हैं उसका वो कह सकते हैं क्रिटिसाइज़ करते हैं उसे कंडेम करते हैं एक प्रकार से उनकी निंदा करते हैं कि कोई धर्म वगैरह वैसे ही होता नहीं ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं और ये सब कह सकते हैं कि मनुष्यों के ही जो है एक मस्तिष्क की उपज है कोई वो धर्म में बिलीव नहीं करते एंटी रिलीजन होते दूसरा है थि, थियोक्रेटिक स्टेट थियोक्रेटिक स्टेट जो है ना प्रो रिलीजन होते हैं एक प्रकार से स्टेट इज ए प्रो रिलीजन प्रो रिलीजन इन द सेंस कि कोई एक विशेष धर्म के प्रति उनकी जो है आस्था होती है उस, उस धर्म को ही वो एज ए स्टेट रिलीजन का वो कह सकते हैं कि डिक्लेयर कर देते हैं तो डिक्लेयर वन पार्टिकुलर रिलीजन एज ए स्टेट रिलीजन मतलब कोई भी एक धर्म जिसको वो मानते हैं जिस धर्म के फिलॉसफी सिद्धांत और आइडिया और आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं उस आइडियोलॉजी उस धर्म को वो जो है स्टेट के धर्म मतलब उस राज्य का हुआ धर्म होगा जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं पाकिस्तान का या अरब की जितने भी कंट्री हैं सऊदी अरब वगैरह हो गया ठीक है ये सब का स्टेट रिलीजन इस्लाम है तो वो कह सकते ना कि अब ये पाकिस्तान का अगर नाम देखोगे तो उसका है ना द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान तो इस्लाम फिर बांग्लादेश हो गया तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ मतलब उसका स्टेट का रिलीजन होता है मतलब उस राज्य का स्पेसिफिक धर्म होगा जिसे वो प्रमोट करेगी प्रोपेट करेगी प्रचार प्रसार करेगी और जितने भी लोग होंगे उस धर्म के ही अनुवायी होंगे उनको ही अधिक जो है महत्व दिया जाएगा तो ये थियोक्रेटिक स्टेट इसे कहा जाता है दूसरा है सेक्युलर एक प्रकार का सेक्युलर कोई रिलीजन नहीं होता है या सेक्युलर स्टेट कोई मतलब कोई भी धर्म विशेष को वो अधिक महत्व नहीं देते हैं जितने भी धर्म हैं सबको बराबर का दर्जा दिया जाता है उसमें जिसमें जैसे एग्जाम्पल भारत है ठीक है सेकुलर रिलीजन सेकुलर स्टेट में आ गया न्यूट्रल इन द मैटर ऑफ रिलीजन सभी धर्म कार्यों में वो न्यूट्रल रहते हैं वो स्टेट पार्टिसिपेट नहीं करता मतलब कहने का मतलब है कि आप कोई भी व्यक्ति हम जो है अगर हिंदू धर्म सनातन संस्कृति को मानने वाले तो हम अपने धर्मों को जो है अच्छे से मनाएंगे सेलिब्रेट करेंगे कोई अदर जैसे रिलीजन कोई बुद्धिज्म है कोई सिख है तो वो अपने धर्मों को प्रचार प्रसार करेंगे उसका मतलब उसे सेलिब्रेट करेंगे उसके फेस्टिवल्स वगैरह स्टेट उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करती है, और ना ही स्टेट उसमें सम्मिलित होने का प्रयास करती है। मतलब न्यूट्रल रहती भाई आप बना लो हमको कोई लेना देना नहीं है तो मतलब ये हो गया सेकुलर स्टेट मतलब सभी धर्म को और जितने भी धर्म है उसमें आपसी जो है कोई भले लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए या फिर प्रेम सद्भावना या समाज या स्टेट सुरक्षित रह सके इसलिए सबको इक्वल जो है इंपॉर्टेंस दिया जाता है कोई भी धर्म किसी धर्म को सबॉर्डिनेट करेडीनेट सबॉर्डिनेट सबौडिने, ना करे किसी धर्म में जो कह सकते हैं कि कोई हस्तक्षेप ना करे इसके लिए ये जरूरी है कि मतलब सबको बराबर का दर्द दर, दर्जा दिया जाता है और किसी के भी जो है इंटरनल मैटर में स्टेट जो है अपने आप को दूर रखती है हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं करती तो कह सकते हैं कि थ्री टाइप ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड एटीट्यूड टे रिलीजन हम लोगों ने इसे जो है डिस्क्राइब करके देख लिया और एक प्रकार से कह सकते हैं एथेस्टिक थियोक्रेटिक और सेकुलर स्टेट ठीक है सेकुलर कह सकते हैं कोई रिलीजन में बिलीव ही नहीं करता ऐसा नहीं कि बिलीव नहीं करता है, तो ये एथेस्टिक हो गया एथेस्टिक मतलब तो ये तो धर्म पे ही मतलब कह दिया कि नहीं कोई धर्म ही नहीं है रिलीजन कोई स्पेसिफिक रिलीजन में बिलीव नहीं करते सेकुलर लोग और थियोक्रेटिक जो है प्रो रिलीजन होते हैं ये क्लियर हो गया इसका अगर एग्जाम्पल लें सेकुलर का जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया इंडिया हो गया ठीक है वी आर सेकुलर इन कैरेक्टर मतलब सभी धर्म जितने भी विश्व के सभी धर्म जो है भारत में वो मनाए जाते हैं तो ये थ्री टाइप ऑफ स्टेट्स हैं तीन तरह के राज्य जिसमें कि उनका नजरिया उनका एटीट्यूड क्या होता है धर्म के प्रति उस पे इसका क्लासिफिकेशन हुआ है तो ये क्लियर हो गया अब कुछ एक दो स्पेसिफिक टर्म है ना जैसे रिफ्रेंडम वगैरह उसके बारे में भी हम डिटेल में जान लेंगे कि रिफ्रेंडम या अपने वगैरह क्या होता है उसके बाद हम लोग एक नए चैप्टर को प्रारंभ करेंगे थैंक यू सेकंड ए ग्रेट